क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कुलदेवी कौन है? आपने कुलदेवी के बारे में जरूर सुना होगा। जिन्हें कुलदेवी के बारे में पता नहीं है, मैं उन्हें बता दूं, कुलदेवी वो देवी हैं जो किसी विशेष खानदान या कुल की आदि देवी होती हैं। कुलदेवी की उपासना मूर्ति या पिंडी के रूप में की जाती है, जो आपके परिवार की संकटों से रक्षा करती हैं और आपकी उन्नति करती हैं। वहीं कुल देवता को उस कुल का देवता कहा जाता है जिनकी वे सभी पूजा करते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से मित्र होंगे हमारे जिन्हें अपनी कुलदेवी का पता नहीं होगा। आज मैं उन्हें उनकी कुलदेवी के बारे में बताऊंगा। कुलदेवी या कुल देवता वो होते हैं जिन्हें हमारे पूर्वज पूजते आए हों। कुलदेवी या कुल देवता किसी विशेष परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिंदू धर्म में इन्हें विशेष रूप से पूजा जाता है और किसी भी शुभ अवसर जैसे शादी, नई बहू के आगमन, बच्चे के जन्म के समय और अन्य कई संस्कारों में कुलदेवी या कुल देवता की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक परिवार या वंश का एक विशिष्ट दैवीय संबंध होता है जो पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ता है। किसी भी कुल देवी या कुल देवता को वंश के संरक्षक के रूप में माना जाता है जो उस कुल के सभी सदस्यों की रक्षा करती हैं। कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने से परिवार में आशीर्वाद और समृद्धि बना रहता है। कुल देवी और कुल देवता का सम्मान करने और उनकी कृपा पाने से पूरे परिवार पर कभी भी संकट नहीं आता। ऐसे हमारे जो भी मित्र हैं जिन्हें अपनी कुल देवी या कुल देवता के बारे में पता नहीं है, मैं उन्हें बता दूं कि ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी आपके परिवार में ज्ञान वृद्धा या वयोवृद्धा हों, समझिए वही आपकी कुल देवी या कुल देवता हैं। उन्हीं जीवित माता पिता की सेवा करने से आपको यश, कीर्ति और समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी। जैसे जड़ मजबूत होने से फल वृक्ष में अच्छे आते हैं, उसी प्रकार से अपने पूर्वजों की देखभाल करने से आप और आपका परिवार प्रगति के रास्ते पर हमेशा चलेगा। और हमारे जिन भाइयों और बहनों को अपनी कुलदेवता और कुलदेवी का पता हो, वे कमेंट में जरूर लिखें।